अल्लाह साहब मिल भी रहा है सड़वा। तो साहब ये समझिएगा, आप सामने देखो पीछे देखे क्या कर लोग, अच्छा मालूम पता भी चल गया मैं किसके लिए बोल रहा हूं। तो आपको क्या मिल गया? देखो आप लोगों के अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम, मिडिल मैन से बाहर नहीं आ सकते आप। जान भी जाओगे तो क्या कर लोग, उसको गला दबा मार डालोगे क्या? क्या मिल जाएगा? मतलब मानो, अगर मान लो हम बता भी दे, नाम लेके खड़ा भी करा दे, क्या मिल जाएगा? कुछ मिलेगा आपको? कौन? अरे जान भी गए तो क्या मिलेगा बताओ? क्या मतलब? मतलब ये देखो, आप जिसके लिए आए हो ना, फोकस उस पर करो। मैं क्या कर रहा हूं, यू नो, मैं जो आज कह रहा हूं क्या आप तक मैं पहुंच पा रहा हूं? मेरी बातें आप तक पहुंच रही है? समझ पा रहे हो? जो सोया सो खोया, जो जागा सो पाया। तो आप जान रहे हो, आपको मिल रहा है। जो बेचारा रात का सताया हुआ बीवी का, तो बेचारा सोया था, उसकी जिंदगी सोने में निकल ली। जी फास्ट थोड़ा सर, बहुत कम है टाइम और काम बहुत है मुझे। सर डायरेक्ट सेलिंग टेक्नोलॉजी का अपोजिट इसलिए है क्योंकि टेक्नोलॉजी जिस जिस सेक्टर में आती जा रही है वहां बिजनेस जो है कंपटीशन वाला होता जा रहा है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में टेक्नोलॉजी भी अगर आ जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। थैंक यू सर। मान लीजिए कहीं 10 आदमियों की जरूरत है और कंप्यूटर आ गया तो वहाँ एक ही आदमी से काम चल सकता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा नहीं है। आदमी भी बढ़ेंगे तो डायरेक्ट सेलिंग बढ़ेगी। थैंक यू सो मच सर, एक जोरदार तालियां सर के लिए। थैंक यू सो मच। आप ज्यादा टाइम नहीं है इसलिए मैं आप लोगों को टाइम नहीं दे पाऊंगा। अब मेरी बात को समझिएगा, सर ने बड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। डायरेक्ट सेलिंग टेक्नोलॉजी का जस्ट अपोजिट है। कैसे? अभी एक एग्जांपल मैं बताता हूं कि आपको कुछ साल पहले याद होगा कि एक जमाना था बीसीआर और बीसीपी का। एक टेक्नोलॉजी आया ब्लैक एंड व्हाइट का, जब हम देखते थे सिनेमा बाइस्कोप। यस सर। और पहले जिस तरह हम लोग चल रहे फिर रहे ऐसे एडिटेशन रुक रुक के नजर आया करते थे और पीछे ऑडियो चला करता था। फिल्मों में इतना मूवमेंट नहीं था। अच्छा कुछ टेक्नोलॉजी बढ़ी तो ब्लैक एंड व्हाइट आ गया, फिर कुछ टेक्नोलॉजी बढ़ी तो कलर में आ गया, फिर क्या हुआ बीसीआर बीसीपी आ गया, सिनेमा के बाद बीसीआर बीसीपी, और बीसीआर बीसीपी के बाद फिर एक नई टेक्नोलॉजी आई, वो क्या आई? सीडी प्लेयर आया। तो जब सीडी प्लेयर आया तो बीसीआर बीसीपी कितने घरों में रहा, कितनी मैन्युफैक्चरिंग बनी फिल्मों की। यानी एक टेक्नोलॉजी आई तो दूसरी टेक्नोलॉजी को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया। यस सर नो। अब इसको समझना, बड़ा बहुत बड़ी बात बताने वाला हूं। अगर ये मेरी एक लाइन समझ में आ गई तो आपको डायरेक्ट सेलिंग की पूरी कहानी पता चल जाएगी, एक्चुअली इसका फ्यूचर क्या है। बस मैं जो बताने जा रहा हूं वो गंभीरता समझना। अब बीसीआर बीसीपी को किसने खत्म कर दिया? सीडी प्लेयर ने। अब सीडी प्लेयर को एक पिक्चर देखने के लिए सीडी खरीदना पड़ता था, फिर एक आ गया सिस्टम डीवीडी। तो एक ही सीडी में कितनी पिक्चर? पांच सात। तो पांच सात पिक्चर एक डीवीडी में। तो मेरे घर में सीडी प्लेयर रहा है डीवीडी? क्यों? क्योंकि जगह कम लेगा और एक ही प्लेट में वही लागत पे 10 बार ज्यादा देके 7 पिक्चर देखने को मिलेगा। हेलो यस आर नो। अब उसके बाद क्या हुआ, डीवीडी आया तो डीवीडी ने सीडी को, तो जो उसने इंडस्ट्री लगाई, जो इंडस्ट्रियलिस्ट था, जिसने फैक्ट्री लगाई, करोड़ रुपए बैंक से लिए थे, बड़ा बड़ा सपना देखा था एक दिन ऐसा होगा हर घर में सीडी प्लेयर हो, डीवीडी ने रात और रात खत्म कर दिया उसका मार्केट और अपना जगह जमा। अब डीवीडी खुश हो गया, अब क्या टेक्नोलॉजी लिया, एक ही सीडी प्लेयर सप्लेट 7 पिक्चर में दे रहा हूं। लेकिन रातों ही रात एक सिस्टम और आ गया, पेन ड्राइव।
उस पेन ड्राइव में 100 मूवी, 50 मूवी, 1000 मूवी, जितना चाहो डालो। साहब क्या हुआ? हेलो, क्या हुआ? जवाब चाहिए भाई। डीवीडी कहाँ है? अरे घर में है, अगर है तो चलता है क्या? नो। अब देखो कमाल की बात, अब पेन ड्राइव आया, अब पेन ड्राइव के बाद क्या हुआ? YouTube। फिर क्या आ गया? YouTube। चिप आ गया। हेलो, और चिप के बाद अब क्या आ गया? गूगल ड्राइव। मैं यहां से पूरी मूवी मुंबई भेज सकता हूं बिना पेन ड्राइव के। पूरी 6 घंटे की मूवी, 3 घंटे की मूवी, 100 घंटे की मूवी, आज मेरे पास उस लेवल का कंप्यूटर हार्ड डिस्क होना चाहिए, मैं उसको भेज सकता हूं ऑल इंडिया वर्ल्ड। वो जो करोड़ों अरबों की टेक्नोलॉजी डाला था, क्या हुआ वो? अभी आपको ये सब चीज पता नहीं है, इसलिए आप ऐसा हुई क्या? अभी आपको पता नहीं है, हमें भी पता नहीं था। कंपनी ने जब मेरे पास कुछ चीजें भेजी, वो घंटों की थी, तो मैंने कहा सर ये कैसे पॉसिबल है? तब उन्होंने कहा सब पॉसिबल है, मालूम नहीं इसका मतलब थोड़ी आपको पॉसिबिलिटी ये चीजें। तो मैंने पूछा, तब मुझे पता चला। हमने कहा सर मैं इसको लोड कैसे करूं? तो उन्होंने सिस्टम बताया कि आपके घर में इसके लिए चाहिए जियो फाइबर वाईफाई टेक्नोलॉजी है क्या? हम क्या लगा हुआ, बोले भाई तब तो हो गया काम दोबारा। 5 घंटे का हाई फ्रीक्वेंसी, मतलब अगर मैं आपके लैपटॉप या मोबाइल पर चला दूं तो वीडियो नहीं चलेगा, इतना हाई बना हुआ है। उसके बाद भी वो लोड हो रहा है, मेल से आ रहा है साहब। तो क्या है टेक्नोलॉजी? तो टेक्नोलॉजी ने किसको बर्बाद कर दिया? अब एक बहुत बड़ा खतरा मैं बता रहा हूं, पूरा वर्ल्ड 5000 करोड़ का व्यापार रहा हो, चाहे 50 अरब खरब का व्यापार रहा हो, या पैसे कोई लिमिट ना रही हो, हर वो आदमी कोरोना में बर्बाद हो गया। लोग घरों में फंस गए, प्लेन बंद हो गया, ट्रेन बंद हो गया, बस बंद हो गए, सब बंद हो गए, सब कुछ तबाह हो गया। लोगों के आंखों के सामने लाल पीला दिखाई देने लगा, लेकिन नेटवर्क गाना गाता था मारा ठुमका बदल गई चाल भी तो आ, देखो देखो रे हमरा। उसकी इनकम क्या हो गई? बढ़ गई, दो गुना बढ़ गई। लोग ट्राई ट्राई कर रहे हैं, देखो करोड़ों अरबों रुपए लगाकर जो पैसा लगा के बैठे थे, जिसको आप पूंजी लगाने के धंधा मानते थे, वो सड़कों पे आ गए, वो लाइबिलिटी में आ गए, सुसाइड करना पड़ा, फांसी लगा लिए, दिवालिया हो गए। और आप बिना पूंजी लगाए अपनी टीम सजा डाले जूम मीटिंग करके, पेट्रोल भी बचा लिया और जूम पर पूरा बिजनेस संभाल लिया और करोड़ों के मालिक बन गए। ये होता है डायरेक्ट सेलिंग की ताकत। बिजनेस भी उतना फास्ट होगा। यह सबसे बड़ी ब्यूटी है। दूसरी खूबी यह जानना है आपको, क्योंकि सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसे इंडस्ट्री जिसने को ना तो जनसंख्या से लेना देना है, जनसंख्या वृद्धि कितनी हो रही है, ना टेक्नोलॉजी का कोई इफेक्ट है, या सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग ही लोगों को बेरोजगार होने से बचा सकती है और आने वाले दिनों में यह इंडस्ट्री। और एक बात याद रखना, पूरी इंडस्ट्री, पूरा ट्रेडिशनल, पूरा मार्केट एक्सी से घबराता है। किससे? ना टेक्नोलॉजी से, टेक्नोलॉजी से घबराता है। कब कौन सी टेक्नोलॉजी आ जाए हमको, क्योंकि कहां गया वो कोडक फिल्म, कहां गया वो फ्यूजी फिल्म, हेलो कहां गया वो रील की धुलाई करने वाला लैब, जहां फोटो की कीमत हमसे वसूली जाती थी, फोटो चाहे अच्छी हो, चाहे गंदी, चाहे काली, चाहे ब्लैक ही आई हो, पैसा देना पड़ता। और आज हम पहले डिसाइड कर लेते हैं, रखूं कि डिलीट मारूं इसको। हेलो, टेक्नोलॉजी से लोग घबरा रहे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्री वाले, और टेक्नोलॉजी को हम लव कर रहे हैं। लोग घबरा रहे हैं, देश घबरा रहे हैं,
मूर्ख है और उन मूर्खों को सुन के हम क्यों निर्वस होते हैं। अगर हम बुद्धिमान हैं तो जो लोग मूर्ख हमको सलाह देते हैं तो हम उनसे प्रभावित क्यों हो रहे हैं? और अगर प्रभावित हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप इस सिस्टम को समझ नहीं रहे हैं। आप डायरेक्ट सेलिंग कितना महान बिजनेस है ये आपको समझ में नहीं आ रहा है और आपको फ्री में मिल गया, कोई पैसा नहीं देना पड़ा, शायद इसलिए आप इसकी वैल्यू नहीं समझ रहे। यू नो अभी क्लियर समझ में आ रहा है? कितनी बड़ी जबरदस्त अपार संभावनाएं हैं। आज लोग कहते हैं कि मेरे को रियल एस्टेट में जाना है, बड़ा कमाई होती है। मैं चैलेंज करता हूं हर उस रियल एस्टेट के दलाल को और हर उस रियल एस्टेट के मालिक को जो हमारे माई लाइफ की लीडर के बराबर अपनी कंपनी की औकात दिखाता है। आज हमारी कंपनी के अंदर हमारे किशोर रहे, हमारे राजेश यादव, हमारे मुबीन मोहम्मद, हमारे डीएच कदम जैसे ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनकी महीने की इनकम 35 लाख रुपया है, बचत सेविंग 35 लाख रुपीज इवनी मंथ। और वो दल्ला, वो जो रियल स्टेट का ओनर बताता, वो कभी बेचेगा तब मिलेगा, लेकिन इसको तो रेगुलर मिल रहा है। कारण हम मंजन करेंगे, हम साबुन लगाएंगे, हम पोछा मारेंगे, हम टॉयलेट साफ करेंगे, हेलो yes. हम परफ्यूम छिड़केंगे, हम बर्तन मांजेंगे, पेट खराब होगा तो निमकेत पिएंगे, दाने निकलेंगे तो मल्टीगार्ड लेंगे, बाल झड़ेगा तो वहां फ्रिज राज यूज करेंगे, हेलो yes. yes. समझ में आ रहा है yes. आज बड़े बड़े लोग इस प्रोफेशन में क्यों कूद रहे हैं? माय डियर, पूरा खेल है ग्रोथ का। हर बुद्धिजीवी आज देख, मैं आपको ऐसे ऐसे लोगों से मिला सकता हूं जिनकी फैक्ट्रियां हैं। मैं तो अभी मुंबई गया था, ऐसे व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई सेलिसर के प्रोग्राम में जिसके पास 700 वर्कर काम कर रहे फैक्ट्री में। वो बंदा अपनी फैक्ट्री 32 साल पुरानी फैक्ट्री को एक एमबीए लौंडे को रखकर छोड़कर फुल टाइम डिवोटेड माय लाइफ और आज इस बिजनेस में। अभी सीटीसी है, मैं भी अगले महीने आरटीसी हो जाएगा, 6 महीना हो गया और उसका ग्राफ आप जानते हो साहब, उसकी जो ट्रेडिशनल की कंपनी 32 साल पुरानी फैक्ट्री के 700 मजदूर कमाते थे, आज वो माई लाइफ में मात्र 9 महीने में काम करके उतना अकेले कमा रहा है जो फैक्ट्री 32 साल पुरानी हुआ। आपको इसके ग्रोथ को समझना होगा, माइंड को शेक करना पड़ेगा। सारा गेम कहां चल रहा है? दिमाग आपका खोपड़ी के अंदर। आप इसको दिल से नहीं कर रहे हो, किससे कर रहे हो? भगवान ने दिमाग ज्यादा दे रखा ना, और दिमाग साला बहुत खतरनाक है। इतना पावर है कि दुनिया में कुछ भी कर सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। इसके पास असंभव कुछ है नहीं, लेकिन इसका उपयोग कैसे कर रहे हो? निगेटिव की पॉजिटिव, अगर निगेटिव कर रहे हो तो आपका वजूद खत्म कर देगा, और अगर पॉजिटिव कर रहे हो तो आपका वजूद बना देगा। डिपेंड करता है कि आप किसका उपयोग कर रहे हो, इसके आप काम क्या ले रहे हो, इसको खुराक क्या दे रहे हो, निगेटिव या पॉजिटिव। सारा खेल किसका है? ब्रेन का है, दिमाग का है। तो यहां पर सारा खेल दिमाग का चल रहा है और यही दिमाग डिसाइड करेगा कि आपको मिटाना है कि आपको संवारना है, आपको बिखरना है कि आपको निखरना है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ज्यादातर लोग किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? और माफ करना दोस्त, यह बिजनेस दिल का है, भावनाओं का है, इमोशन का है, संवेदनाओं का है, फीलिंग का है, एहसास का है। ये होना बहुत जरूरी है और आपको समझना है व्हाई डायरेक्ट सेलिंग। अगली पॉइंट, डायरेक्ट सेलिंग के फायदे क्या है? डायरेक्ट सेलिंग में क्या फायदा मिलेगा? डायरेक्ट सेलिंग में काम करने के लिए आपके पास किसी विशेष डिग्री का होना जरूरी नहीं। यस सर, नो यस सर। कभी पूछा गया आपसे डिग्री? नहीं सर। कोई कहता है भाई कितनी डिग्री है तो मैं फॉर्म भरूं ना भरूं? अब सबसे बड़ी बात, यदि आप पढ़ाई नहीं भी किए हो तो भी आप इसमें काम कर सकते। दूसरा, इसको आप बहुत ही कम पैसों से शुरू कर सकते हो। डायरेक्ट सेलिंग में कोई इन्वेस्टमेंट करना नहीं पड़ता, इसमें जुड़ने के लिए आपको बस उस कंपनी के कुछ प्रोडक्ट खरीदने, मतलब यहाँ पे फंसना फंसाने का कोई सिस्टम नहीं है, किसी से कोई लाइबिलिटी लेना देना नहीं है। क्या करना है? प्रोडक्ट यूजर थे, हम यूजर हैं और यूजर रहेंगे। लेते थे, लेते हैं, लेते और हमारे लोग लेते थे, लेते हैं, लेते। तो अपने लोग अगर ये प्रोडक्ट देना हो तो कोई प्रॉब्लम, दिलाना हो तो कोई प्रॉब्लम। और आप कहते हो कि हमारे लोग तैयारी नहीं होते, सुनते नहीं, क्योंकि आपका व्हाई खुद क्लियर नहीं।
अभी मैं परसों एक साहब के पास गया था, उनके घर में बैठा था और ऐसे बैठे बैठे पूछा, भाई भाई साहब मंजन कौन सा करते हो? उन्होंने कहा कोलगेट। हमने कहा भाई साहब साबुन कौन सा यूज करते हो? उन्होंने कहा पीएस। बोले आपने क्यों पूछ रहे? कुछ नहीं भाई साहब, ऐसे ही। आप पोछा किससे लगाते? उनका इजोल। अच्छा साहब ये बताइए कि आप अपने घर में जो टॉयलेट में सफाई करते क्या है? बोले हाथ की। मैं ऐसे ही बैठ के अपने व्हाट्सएप पे जो लेटर वेटर उसमें लिया नहीं था, मोबाइल पे चैटिंग करने लगा। बोले क्या कर रहा हूँ? कुछ लिख रहा हूँ। तो उन्होंने जब देखा बोले मैं जो बोल रहा हूँ वही लिख रहा है। तो उनके घर में बैठे बैठे बहुत सारी चीजें जोड़ डाली, जोड़ा तो टोटल खर्चा आता है महीने का 5500 रुपए। तो मैंने पूछा भाई साहब ये 5500 रुपए खर्च हर महीना क्यों करते? मत करिए इसको, बचाइए। बोले कैसे बच सकते पैसे? ले तो जरूरत, जब दुर्गंध आने लगे बाथरूम, पोछा भी मारे टाइल्स बेकार हो जाए, साबुन से नहीं आएंगे शरीर दुर्गंध आएगा, दांत में नहीं साफ ब्रश करेंगे तो दांत पीला हो जाएगा, जिससे लगे। अगर करते क्यों? बोले मजबूरी है यार, इसे चाहिए, जरूरत है। हमने कहा सर इससे कोई फायदा? बोले क्या फायदा, यही है कम्फर्ट है, हमारा घर ठीक ठाक दिखता, सब चीजें। हम कह अगर ये करते हुए अगर साइड में कुछ आमदनी है तो? बोला ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा तो आज तक किसी ने मुझे बताया नहीं। हम कह अगर ऐसा हो तो? बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम कह ब्रांड बदल जाएगा, क्वालिटी अच्छी हो जाएगी तो कोई प्रॉब्लम? बोले कोई प्रॉब्लम नहीं। हम कह पैसा थोड़ा 10-20 ज्यादा कम? बोले कोई बात नहीं, चीज अच्छी है, रेट अच्छे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम कह लिया जा सकता? बोले लिया जा सकता। हमने कहा साहब आज के बाद ये प्रोडक्ट इस घर में नहीं इस्तेमाल होगा, मेरे प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे आप, कोई प्रॉब्लम? बोले ये बात आपको इतना घुमा के पूछने की जरूरत, पहले बोल देते हम करने लगते हैं। हमने कहा नहीं, वो ठीक नहीं लगता, हम अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पाते। आप संतुष्ट है? बोले आप पहले भी बोले होते विनय जी, ऑलवेज, मैं आपको वर्षों से जानता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बोल दो बस, क्योंकि मैंने देखा है कि आप एक अच्छे इंसान है, बिजनेस बात की बात है, आप पहले भी बोले होते करते। फिर साथियों बैठे ही बैठे 6500 रुपए का ऑर्डर ले लिया सिर्फ घर में चर्चा करने से, और प्लान प्रेजेंटेशन दिया ही। उन्होंने मुझसे कहा प्लान क्या है? अगर प्लान व्लान की अभी कोई बात नहीं करेंगे, अभी इतना प्रोडक्ट यूज करते थे, कभी किसी से कोई प्लान पूछा उस व्यापारी से कितना कमाते हो, जरा प्लान बताओ इसका, मैं भी दुकान खोल लूंगा? बोले नहीं नहीं पूछा था। हमसे क्यों पूछ रहे? बोले नहीं आप इस तरह काम करते हो, वो छोड़ो ना, अभी आप यूजर बनो, बात बात करते। उसके बाद उनका कोई फोन नहीं आया प्रोडक्ट लेने के बाद। अब अगर उनका फोन नहीं आया तो मैं प्लान नहीं देने वाला, क्योंकि नीड उनको है अगर पैसे की तो मुझे कॉल करें ना। हेलो yes, sir. और मुझे विश्वास है कि एक महीना हमारा प्रोडक्ट यूज करने के बाद वो पागल की तरह हमको कहेंगे विनय जी आओ बैठो, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मैं अपने फ्रेंडों को भी इसको बताना चाहता हूं, अब इसका पहले लाभ बताओ, तब तो फ्रेंड पे कुछ एनर्जी लगाया जाए। तो पहले क्यूरियोसिटी डाला लोगों में। तो आप ये काम कहीं ना कहीं आपका मामा यूजर है लेकिन मार्केट का सामान यूज कर रहा है। आप जिसको लमोटिया यार कहते हो राइट, पता चला लमोटिया घर में कोलगेट आज भी यूज हो रहा है, पेप्सोडेंट आज भी यूज हो रहा है, आप अपना प्रोडक्ट वहां यूज नहीं कर पाया, कहेगा लमोटिया यार कहेगा लमोटिया। मैं नहीं कहता एक रात में सबको बदल डालो, लेकिन मैं कहता हूं महीना में 5 भी घर बदलो, 5 भी फ्रेंड, 5 भी रिलेशन को अगर अपना प्रोडक्ट का यूजर बना दो, और हमारा प्रोडक्ट इतना बेस्ट है कि होम डिलीवरी 3 दिन में पहुंच रहा है। यकीन नहीं आता, मेरे पास सब डिटेल पड़ा है, देख लो 3 दिन में होम डिलीवरी हो रहा है, 3 दिन में, चौथा दिन लग ही नहीं रहा, बस वर्किंग डे रहा है तो 3 दिन में प्रोडक्ट डिलीवरी हो रहा है, मतलब बंदे की विंडो में पहुंच जा रहा है, उसके डोर में पहुंच जा रहा है, लॉक हो जा रहा है। माय गॉड, 3 दिन में प्रोडक्ट की सर्विस मिलना, ओनली वन इंडिया के क्लॉथिंग कंपनी हमारे यहां स्टाइल मार्केटिंग की बात है, कश्मीर से करना हमारी तरफ से कोई मात्र नहीं है, हो गया 3 डे ओनली, कितनी बड़ी बात है। यस आर नो, ऐसे बिजनेस को आप नहीं कर पा रहे हो, इतना खूबसूरत बिजनेस नहीं कर पा रहे हो, तो प्रॉब्लम कहां पे है जानते हैं? कहां पे प्रॉब्लम है? नीचे देखो, डेप्थ लेके गया, प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम है लीड्स पर, प्रॉब्लम है सेल्स कॉल पर, प्रॉब्लम है फॉलो अप पर, प्रॉब्लम है कन्वर्सेशन पर, प्रॉब्लम है सर। क्योंकि जब आप ये सब